नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है बिलीरुबिन टेस्ट को लेकर के। बहुत बारी सुना हुआ लीवर में दिक्कत है, पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, बिलीरुबिन बढ़ गया, टेस्ट करा लीजिए। क्या टेस्ट है, क्या जांच का इसका खर्चा है, कैसे प्रोसीजर किया जाता है, सब इस वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन थोड़ा सा पहले समझ लीजिए जल्दी से कि बिलीरुबिन होता क्या है। देखिए, हमारे खून में, ब्लड में, रक्त जो बोल दें, इसमें तीन तरह की सेल्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आपने सुना होगा ना कि डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, मलेरिया हो जाए, कोई नॉर्मल वायरल फीवर भी हो जाए तो आपने देखा होगा कि कहते हैं कि जी प्लेट गिर गई। अब वो जो प्लेट गिर गई वो यही है प्लेटलेट्स। तो तीन तरह की सेल्स होती हैं। RBC जो होती है इसी से निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन टूट कर बनता है बिलीरुबिन। तो ये सेल्स इसलिए मैंने समझाई है ताकि आपको समझे कि बिलीरुबिन आ कहाँ रहा है। जो तीन सेल्स हैं इनमें एक सेल्स हैं RBC और इसको टूट कर बनता है हीमोग्लोबिन। कहते हैं ना HB, कितना खून है, HB की जांच होती है भाई, 12 ग्राम, 15 ग्राम, 14 ग्राम, 13 ग्राम, वो यही है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जब टूटता है वो बनता है बिलीरुबिन। अब ये जो तीनों सेल्स हैं इनका एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय के बाद ये मृत हो जाती हैं, कोशिकाएँ ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सब सेल्स का अलग अलग समय होता है। तो जब हम रेड ब्लड सेल से बिलीरुबिन की बात करें तो रेड ब्लड सेल पर ही ध्यान देंगे। रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिकाओं को जो समय होता है, समय अंतराल होता है 100 से 120 दिन होता है। 120 दिन बाद या 100 दिन बाद ये ख़त्म हो जाती है, फिर नहीं बनती हैं, ये प्रोसीजर चलता रहता है। जब ये ख़त्म होती हैं तो ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बिलीरुबिन भी तीन तरीके की जाँच होती है। जब आप बिलीरुबिन की रिपोर्ट कराते हैं तो तीन तरह की जाँच होती है, इनडायरेक्ट यानी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, डायरेक्ट यानी कंजुगेटेड बिलीरुबिन, और फिर तीसरे नंबर पता है टोटल बिलीरुबिन। अब बात कर लेते हैं पहले इनडायरेक्ट यानी अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है क्या। भाई जांच तो आप कर लेंगे लेकिन है क्या ये। देखिए, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो मैंने बताया ना कि जब हीमोग्लोबिन टूटता है बिलीरुबिन बनता है। तो जो बिलीरुबिन आपको शुरू में मिलता है वो होता है अनकंजुगेटेड यानी इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। अब इस बिलीरुबिन को बॉडी में ट्रेवल कराना होता है, इसका काम करता है प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इस बिलीरुबिन से मिल करके लीवर तक पहुँचता है। जब ये लीवर में पहुंचता है तो लीवर इसे प्रोटीन से, एल्ब्यूमिन से अलग कर देता है और अलग करके इसमें शुगर ऐड कर देता है इस बिलीरुबिन में। ध्यान से समझना, जब ये ट्रैवल कर रहा था तो इसमें ट्रैवल करने के लिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिला था। अब जब वो ट्रैवल करता है लीवर तक पहुंचता है तो लीवर इसे छानता है और इस एल्ब्यूमिन को अलग कर देता है और इसमें शुगर ऐड कर देता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं, यहाँ पर आकर ये बन जाता है डायरेक्ट बिलीरुबिन या फिर कंजुगेटेड बिलीरुबिन। अब यहाँ से लीवर इसकी सफाई करता है, इसकी जो गंदगी अपशिष्ट पदार्थ हैं इसमें से साफ करता है और कुछ बिलीरुबिन को ये पहुँचा देता है किडनी में, कुछ को पहुँचा देता है ये आंतों में। तो जो किडनी में पहुँचता है वो बाथरूम के रास्ते से बाहर, जो एक्स्ट्रा मात्रा होती है वो बाथरूम के रास्ते से बाहर निकल जाती है, और जो आंतों में गया था वो टॉयलेट के रास्ते से बाहर निकल जाती है। बाथरूम का जो पीलापन होता है वो बिलीरुबिन के कारण ही होता है। टॉयलेट का जो भूरापन होता है, जो मल का भूरापन होता है, वो भी बिलीरुबिन के कारण होता है। तो जो एक्स्ट्रा है वो आपका निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये नहीं निकल पाता है और शरीर में ही, ब्लड में ही इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपका लीवर सही काम नहीं कर रहा हो, मैंने कहा ना लीवर छान करके किडनी में और आंतों में भेजता है, लेकिन अगर लीवर सही काम नहीं करेगा तो ये नहीं छान पाएगा और वो ब्लड में ही घुला रह जाएगा। तो पहले लक्षण समझते हैं कि भाई किन लक्षणों के आधार पर हम समझे कि आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है। पहले नंबर पर बात करें, अगर आपकी आंखों में हल्का पीलापन सा गया है, आपको बुखार चढ़ रहा है काफ़ी दिन से, आपका जो मल है वो पीले रंग का आ रहा है, आपका जो मूत्र है वो गाढ़े पीले रंग का आ रहा है, पेट में लगातार दर्द बना हुआ है काफ़ी दिनों से, उल्टी से का मन रहता है, खाते हैं उल्टी हो जाती है या उल्टी से का मन हो जाता है, तो ये समझ लीजिएगा आपको कि हो सकता है आपका बिलीरुबिन बढ़ गया हो। तो लक्षण आपको बता दिए हैं, लक्षण ये बन सकते हैं। बात करें कि नॉर्मल रेंज, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बात करें अगर इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0.2 से लेकर के 1.2 mg पर dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर करें बात डायरेक्ट बिलीरुबिन की तो इसकी नॉर्मल रेंज है 0 से लेकर के 0.3 mg पर dl, और बात करें टोटल बिलीरुबिन की तो इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो है 0 से लेकर 1.4 mg पर dl। अब आप कहेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो बता दिया था, ये टोटल बिलीरुबिन कहाँ से आ गया? डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट करके जो आता है वही टोटल बिलीरुबिन है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जो होता है वो टोटल बिलीरुबिन गिना जाता है, माना जाता है। अब नॉर्मल रेफरेंस रेंज आपने जान ली, लक्षण आपने देखे, आपने जांच कराई,
अगर नॉर्मल रिपोर्ट आती है अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने ये रेंज बताई इससे ऊपर आती है तो समझ लीजिएगा वो तो बढ़े हुए हैं ही, लेकिन इनका कारण क्या हो सकता है? तो कारण मैं कुछ गिना देता हूँ। अभी मैंने बताया था लीवर अगर सही काम ना कर रहा हो तब आपको बिलीरुबिन बढ़ने की समस्या हो सकती है। आपको हेपेटाइटिस की बीमारी हो, ए बी सी डी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तब भी बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आएगा। आपको गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली यानी पित्ताशय में पथरी है, या जो पित्त वाहिका है जहाँ से पित्त बाइल डक्ट जिसे बोलते हैं, जहाँ से पित्त होकर के आता है, बाइल जूस होकर के आता है, उसमें कोई रुकावट है, तब आपको बिलीरुबिन बढ़ने की समस्या हो सकती है। आप ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तब भी आपको बिलीरुबिन बढ़ने की समस्या हो सकती है। पीलिया मैंने इसलिए नहीं बोला, हेपेटाइटिस पीलिया हालांकि अलग अलग लिखे जाते हैं, हेपेटाइटिस जॉन्डिस, लेकिन दोनों का प्रकार एक ही है, लीवर में सूजन, लीवर में इन्फेक्शन। तो पीलिया मैंने इसलिए नाम लिया, हेपेटाइटिस बोल दिया वही समझ लीजिएगा, हालांकि दोनों को अलग अलग लिखते हैं और अलग अलग ही बीमारी है, लेकिन दोनों का काम है इन्फेक्शन होना, सूजन आ जाना, या कोई लीवर का सही से काम ना कर पाना। अब बात करते हैं कि जांच में क्या सावधानियां बरतनी है, जांच कब करानी होती है। कि आप सुबह दोपहर शाम कभी भी करा सकते हैं, खाली पेट खाने के बाद कभी भी सैंपल दे सकते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है आपकी नसों में से और वो जांच के लिए भेज दिया जाता है, रिपोर्ट शाम तक मिल जाती है। बात करें खर्चा कितना आता है, कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितना है टेस्ट का, तो ये 200 रुपये में ये जांच हो जाती है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, ये जानकारी आपको इसमें अगर कुछ लगता है कि अधूरापन है, तो आप मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।